तो पहले वीडियो में मैंने आपको ब्लेंडर क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है और ब्लेंडर को आपको किस लिए यूज़ करना चाहिए, क्यों आपको ब्लेंडर पे आ जाना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज मैं आपको व्यूपोर्ट नेविगेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ ब्लेंडर 2.8 में। तो हम ब्लेंडर में सबसे पहले यहाँ पे व्यूपोर्ट को कैसे आप नेविगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन दिया है, एक्स एक्सिस में आपको नेविगेट करना है, जी एक्सिस में नेविगेट करना है, एक्स एक्सिस, जी एक्सिस, वाई एक्सिस, एनी एक्सिस पे अगर आपको यहाँ से नेविगेट करना हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। ये गिज़्मो दिया है यहाँ पे, जिस किसी भी एक्सिस पे आप क्लिक करेंगे उसी एक्सिस में आपका ऑब्जेक्ट जो है व्यूपोर्ट पूरा चेंज हो जाएगा। और यहाँ से एक्स और बीच में जो ये राउंड शेप आ रहा है, यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, पकड़ के आप खींचेंगे तो आप डायरेक्टली इस व्यू को यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ से भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ओनली फॉर एक्स एक्सिस में एंड जेड एक्सिस में एंड वाई एक्सिस में, ठीक है। फिर जूम इन जूम आउट के लिए यहाँ पे एक छोटा सा टूल दिया है, जहाँ पे आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो जूम इन जूम आउट होगा। यहाँ पे हैंड टूल दिया है जिससे आप मूव कर सकते हैं व्यूपोर्ट को। और यहाँ पे कैमरा टॉगल फॉर कैमरा व्यू में आपको देखना है कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, कैमरा व्यू दिया है यहाँ पे। और ये है स्विच टू करंट व्यू फॉर द पर्सपेक्टिव ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। शॉर्टकट 5 है इसका, 5। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी जो ये व्यू है वो ऑर्थोग्राफिक्स व्यू आ गया है और ये हमारा पर्सपेक्टिव व्यू है, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक्स व्यू आपको पता है ऑलरेडी, पर्सपेक्टिव में आपको कैसा ओरिजिनली आपका रेंडरिंग दिखेगा वो दिखेगा, जबकि ऑर्थोग्राफिक्स व्यू में आपका ऑर्थो के हिसाब से कैसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा वो दिखाएगा। इसके लिए सिंपल हम यहाँ से इसको कॉपी कर देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक्स व्यू में डेप्थ नहीं आ रहा है ऑर्थोग्राफिक व्यू में, जबकि आप पर्सपेक्टिव व्यू में जाएंगे तो आपको डेप्थ दिखेगा, करंटली कैसा आपका रियल व्यू में दिखेगा वो आएगा, जबकि आप ऑर्थोग्राफिक्स व्यू करेंगे तो सबका जो पोजीशन हुआ सबका डेप्थ नहीं आएगा, सबका सेम रहेगा, ठीक है। ये डिफरेंट है, यहाँ से ये ग्रिड जो दिया है, ठीक है, ये ऑर्थोग्राफिक व्यू है, ये हमारा पर्सपेक्टिव व्यू है, ये हमारा कैमरा व्यू है, ये हमारा हैंड टूल है जिससे आप व्यू को मूव कर सकते हैं, ये हमारा जूम इन जूम आउट टूल है और ये हमारा रोटेशन के लिए दिया है। अब यही चीज़ आप डायरेक्टली माउस से भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, मैं यहाँ से माउस का जो ऑप्शन है वो ऑन कर देता हूँ, स्टार्ट शॉर्टकट, जैसे मैं मिडिल क्लिक प्रेस करके ड्रैग करूँगा तो व्यू जो है मेरा वो रोटेट होगा। जूम इन जूम आउट के लिए स्क्रोल है, स्क्रोल बार से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और उसी स्क्रोल को अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका व्यू जो है वो रोटेट होगा। मूव करने के लिए सिंपल आपको शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करना है, शिफ्ट प्लस मिडल क्लिक, शिफ्ट और मिडल क्लिक आप प्रेस करेंगे तो आप व्यू को मूव कर सकते हैं, और रोटेट करना हो तो सिंपल क्लिक एंड ड्रैग कीजिए मिडल क्लिक को, जूम इन जूम आउट करना है तो स्क्रोलिंग कीजिए, और किसी भी व्यू में जाना है टॉप व्यू में जाना है तो आप 7 प्रेस कर सकते हैं तो आपका टॉप व्यू आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप अगर यहाँ व्यू टैब में जाएंगे तो यहाँ पे व्यू पोर्ट के रिगार्डिंग सारे ऑप्शन दिए हैं, टॉप व्यू के लिए 7 है, बॉटम व्यू के लिए कंट्रोल प्लस 7 है, फ्रंट व्यू के लिए 1 है, बैक व्यू के लिए कंट्रोल 1 है, राइट व्यू के लिए 3 है, लेफ्ट व्यू के लिए कंट्रोल प्लस 3 है, ठीक है। ये आपका राइट व्यू हो गया, लेफ्ट व्यू, ठीक है, राइट व्यू कंट्रोल, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू कंट्रोल से प्रेस करेंगे, ठीक है, तो लेफ्ट व्यू आ जाएगा। तो ये है छोटा सा हाउ टू ऑपरेट व्यूपोर्ट, व्यूपोर्ट को हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, रोटेट कैसे कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कैसे कर सकते हैं, मूव कैसे कर सकते हैं, ऑर्थोग्राफिक व्यू में कैसे जा सकते हैं, पर्सपेक्टिव व्यू में कैसे जा सकते हैं, ठीक है। ये छोटा सा एक सेशन था,
जिसमें मैंने आपको व्यूपोर्ट नेविगेशन के बारे में बताया। अब दूसरे वीडियो में मैं आपको इंटरफेस जो है इसका वो फुल्ली समझाऊंगा, इंटरफेस का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए।